वो ज़्यादा जोर देना स्टार्ट कर दिया। रात को एक दो 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 बजे तक पढ़ाई की, बाद में जाके बहुत स्ट्रगल करते। अमित को जो ये परसेंटेज आई इसे देखकर बहुत खुश हैं। 1000 रुपये पक गए आपके हम गए थे स्कूल में इनके में, और भूपेंद्र जी से भी हमने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने अनाउंस किए थे, और बच्चे को अब हम कल ये जो है ना एक छोटा सा अवार्ड सेरेमनी टाइप करके और फिर इनको सम्मान देंगे। अच्छी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। उपस्थित हैं आज हम अमित के घर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर अभी अमित काफ़ी चर्चा में है। गांव खुडाना जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं, इनके घर पर हैं। अमित ने क्या किया है कि प्लस टू क्लास के अंदर हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी जो HBSC बोर्ड है उसके अंदर ज़िले भर में अगर नॉन मेडिकल की बात करें तो टॉप किया है। बाकी अगर 12वीं क्लास की बात करें तो ये 3rd रैंक इनकी बनती है। और ज़्यादा चर्चा में क्यों है, ये एक विशेष बात ये है इसमें कि ये एक सरकारी स्कूल से पास आउट विद्यार्थी हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ना और उसके बाद इस तरह का रैंक लेना, इस तरह का परिणाम देना एक बड़ी अच्छी बात है, और इसीलिए आज हम इनके घर पर पहुँचे हैं। अमित और इनके माता पिता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। अमित स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर। बताएं कैसे ये अचीवमेंट हासिल किया आपने। स्टार्टिंग में सर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पहले तो मैं इस पढ़ाई के लिए एक्टिव नहीं था। दिसंबर में जाके मैंने बहुत ज़्यादा जोर देना स्टार्ट कर दिया। रात को एक दो दो बजे तक पढ़ाई की, बाद में जाके बहुत स्ट्रगल करते हुए। अच्छा, पहले ऐसा कुछ नहीं था कि पहले ओनली इंजॉय के साथ पढ़ लेता, कभी नहीं पढ़ता। ऑलमोस्ट दिसंबर में जाके कंसिस्टेंसी बनाई स्टडी मतलब के अंदर। वेरी फोकस्ड नहीं थे आप? हाँ, स्टार्टिंग में नहीं था। अच्छा, बाद में फिर फोकस किया। फिर जो बात करें, जैसे आपका एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में अमूमन सुनने में आता है, बाकी अब आप तो एक अच्छा परिणाम दे दिया आपने, तो टीचर्स कम पढ़ाते हैं, तो क्या वहाँ कैसा था? टीचर्स अच्छा पढ़ाते थे, कोऑपरेटिव थे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स होते हैं वाली क्वालिफाइड तो होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, कम से कम 15-20 साल के, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। बहुत ही मतलब कि कोई डाउट आता था फ़ोन में भी, व्हाट्सएप पे भी सोल्व कर देते थे, और कहते थे कि किसी कोई भी डाउट हो या फ़ोन करके पूछ लिया करो, यदि घर पे हो स्कूल में तो करते थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर, अच्छी बात है। मतलब आपके टेलीफोनिकली भी हेल्प कर दिया करते थे। हाँ। छोटी बड़ी कोई भी समस्या हो आप बेझिझक पूछते थे। हाँ, और बेझिझक वहाँ से आंसर मिल जाता। हाँ, उन्होंने कहते एक बार समझ नहीं आता तो 100 बार पूछ जाए। 100 बार पूछो, सही बात है। तो आप अपने टीचर्स के नाम बताना चाहेंगे कुछ, कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाए? फिजिक्स के लिए तो मैं सर थे, और मैथ के लिए जितेंद्र सर, पहले मंगू सर भी थे बट उनका ट्रांसफ़र हो गया था, और केमिस्ट्री में जिसमें 100 आए हैं भूपेंद्र सर थे, और इंग्लिश के सुनील सर थे, और IT के नवीन सर थे। अच्छा, भूपेंद्र सर ने तो 11000 रुपये देने की भी बात कही थी। हाँ, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था वो फेयरवेल पार्टी के अंदर कि यदि कोई भी बच्चा 100 out of 100 लेके आता है उसको 11000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो 11000 रुपये पक गए आपके हम गए थे स्कूल में इनके में, और भूपेंद्र जी से भी हमने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने अनाउंस किए थे, और बच्चे को अब हम कल ये जो है ना एक छोटा सा अवार्ड सेरेमनी टाइप करके और फिर इनको सम्मान देंगे। अच्छी बात है। तो ये 11000 रुपये के लिए मेहनत करी थी या फिर मतलब वैसे ही? नहीं सर, वो फेयरवेल के दिन की थी ना। अच्छा, क्योंकि मेहनत तो पहले कर। सही बात है। अच्छा, क्या करना बनना चाहते हो आप? मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ UPSC एग्ज़ाम के थ्रू। UPSC करेंगे आप मतलब? अच्छा, UPSC का कोई ख्वाब पहले से ही था या अभी जैसे एकदम से परिणाम आ गया तो आप बोलने लगे UPSC करने? नहीं सर, एक बार तो दुकान के सामने मेरे भाई और मैं बैठे थे, तो मेरे भाई ने कहा, मैंने कहा मेरे भाई से क्या मैं क्या बनूँ एयरफोर्स में नेवी के अंदर, तो मेरे भाई ने कहा इस UPSC की तैयारी करना। फिर मेरे भाई कुछ काम के लिए चल गया, मैंने फोरम में सर्च किया, कुछ जाना, टीचर्स से पूछा, बाद में इसमें रुचि बढ़ गई। बेसिकली इसका सिलेबस को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हमें सोसाइटी के बारे में जानने को मिलता है, या हम जहाँ रहते हैं उसके बारे में जानने को मिलता है, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी, इंडिया के बाद ज्योग्राफी के बारे में, इसलिए इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? शॉपकीपर। अच्छा, जो दुकान की बात करें कि दुकान पर बैठे थे आप, अपनी दुकान पर बैठे थे? हाँ। अच्छा, तो घर खर्चा शॉप जो है आपकी दुकान जो है उसी से चलता सब? हाँ। ठीक है, अच्छी बात है। एक साधारण से परिवार से हैं अमित, और सरकारी स्कूल से पास आउट हैं, और गजब की बात है कि इन्होंने सरकारी स्कूल में, अपने ही गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए, और अच्छी मतलब एक होता है ना जैसे मार्क्स आ गए, कुछ मार्क्स नहीं अच्छी पोजीशन भी लेकर आए हैं, रैंक भी इनकी अच्छी है। पूरे ज़िले भर के अंदर अगर हम बात करें तो 12वीं कक्षा में 3rd रैंक है इनकी, और बात करें नॉन मेडिकल में तो ये 1st यानी टॉपर कहे जाएंगे, क्योंकि नॉन मेडिकल में सबसे ज़्यादा नंबर इनके ही हैं। तो आप हैं इनकी बहन? हाँ सर। क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता, आप क्या करते हैं? ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं।
फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर फाइनल ईयर में है, और क्या कहेंगे अमित के बारे में? अमित को जो ये परसेंटेज आई इसे देखकर बहुत खुश हैं। अच्छा, कैसे पढ़ता था यहाँ पर? अच्छा पढ़ता था, सारे दिन। और जैसे होता ना एक बहन भाई का बीच में झगड़ा वगड़ा चलता रहता है किसी ने किसी चीज़ को, ऐसे भी था या शरीफ सही लड़का है, बिल्कुल शांत शरीफ है? और आप क्या करना चाहते हो आगे चल के? आगे और एसएससी करेंगे, एसएससी सीजीएल वगैरह क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले भी कोई गवर्नमेंट जॉब का या इस तरह का एग्जाम? नहीं, अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया है तो घर वाले दबाव बनाते हैं काम वगैरह का? ऐसे नहीं सर, पढ़ाई के लिए पूरी छूट दे रखी है। यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।